जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवैध शराब बिक्री करने वालों पर की जा रही लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई। कार्रवाई हेतु श्री लीला शंकर कश्यप के नेतृत्व में किया गया था विशेष टीम का गठन। जिला पुलिस बल एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। 9000 किलोग्राम लहान बरामद कर नष्टीकरण किया गया, साथ ही 300 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया। एक आरोपी के कब्जे से 11 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी के विरुद्ध थाना नवागढ़ में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अवैध शराब बिक्री करने वालों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिनांक 31/12/2022 को श्री लीला शंकर कश्यप अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय बल एवं आबकारी विभाग की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापामार कार्रवाई की गई, जिसके तहत थाना नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम कटौद में रेड कार्रवाई किया गया, जहाँ आम जगह से 219 लीटर महुआ शराब एवं एक आरोपी के पास से 11 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर उसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं 4600 किलोग्राम लहान बरामद किया गया। इसी प्रकार थाना सिवरी नारायण क्षेत्र के ग्राम देवरी में रेड कार्रवाई किया गया, जहां 30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया एवं 3200 किलोग्राम लहान बरामद किया गया। ग्राम खोरसी में रेड कार्रवाई कर 40 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया एवं 1200 किलोग्राम लहान बरामद किया गया। इस प्रकार विशेष अभियान के दौरान कुल 300 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया गया एवं 9000 किलोग्राम लहान बरामद कर पंचनामा कार्रवाई कर नष्टीकरण किया गया। विशेष अभियान में निरीक्षक कृष्ण चंद मोहले, कामिल हाक, उप निरीक्षक अविनाश श्रीवास, सुरेश ध्रुव, आबकारी विभाग के उप निरीक्षक मनोज राठौर, गौरव दुबे, महेश राठौर, घनश्याम पटेल, छवि पटेल एवं पुलिस आबकारी विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।